डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी ने मनाई अम्बेडकर जयंती। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी, डोर टू डोर के प्रधान धर्मवीर राणा में किया गया। इस कार्यक्रम में डोर टू डोर के बच्चों के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और कई बच्चों ने मोटिवेशनल स्पीच भी दी। प्रधान धर्मवीर राणा एवं महासचिव विजेंद्र डुलगच व उनकी टीम इस कार्यक्रम में पहुंचे। सभी अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया। उनकी सोसाइटी के जितने भी अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता और अन्य साथी अपने फील्ड में अच्छा कार्य करते हैं, उनको भी एक विशेष सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी की महिला प्रधान सोनिया की टीम ने योगदान देने पर सोसाइटी ने विशेष सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया और नगर निगम द्वारा भी डोर टू डोर कर्मचारियों को सम्मान पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सभी ने बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंडीगढ़ निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा, मेयर अनूप गुप्ता, विशेष अतिथि स्वास्थ्य अधिकारी विनय मोहन, पूर्व मेयर राजेश कालिया एवं उनके साथ डोर टू डोर ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष विनय बहुत आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन डोर टू डोर की टीम द्वारा मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने दलितों के उत्थान में अपना जीवन लगा दिया। इसके बाद आनंदिता मित्रा ने सबसे पहले महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से कहा कि इस उत्सव को हमें दिवाली के पर्व से भी बढ़कर मनाना चाहिए, क्योंकि यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा पाकर वह बड़े ऑफिसर बन सके। आज हम भी इस शिक्षा के आधार पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विशेष तौर पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो आज उनको अधिकार मिल रहे हैं वह उन्हीं की वजह से मिल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय भीम, जय भीम। मैं साहब, एमओएन साहब, राजेश कालिया जी, सैनी साहब, धर्मवीर जी और हमारे शहर के सभी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर और उनके परिवार, आज का सबसे पहले तो ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अंबेडकर जी के बारे में हम कितनी ही बातें कर लें वो कम है। उन्होंने आज जो वक्ता आए, सबसे पहले तो हाँ आप सबको बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इतना खूबसूरत बोला, तेज से आके बोलना बहुत जिगर चाहिए होता है, डर लगता है इतने लोगों के सामने बोलना, लेकिन आप बोले बहुत अच्छा लगा। यहाँ कई बार बोले बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग, ऐसा कोई नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर जी को नहीं मान सकता। उसका कारण यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947, आप सबको पता होगा, उसके पहले हम दूसरे देश के अधीन आते थे, अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, बहुत सालों के जद्दोजहद के बाद, लड़ाइयों के बाद हमें आजादी मिली। और उसके बाद सवाल ये उठा कि हमारा देश चलेगा कैसे, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, इतने समुदाय हैं, चलेगा कैसे। तो एक उन्होंने संविधान बनाया, हाँ उन्होंने सारा संविधान लिखा, उन्हें हमारे देश के संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। आर्किटेक्ट जैसे ये घर बनता है, घर का डिजाइन बनता है, तो वैसे ही जो संविधान है वो एक किताब है, वो मामूली किताब नहीं है, वो किताब वो है जो कहता है कि हमारा देश कैसा चलेगा, वो किताब उन्होंने लिखी। बच्चों बहुत जरूरी है जानना कि उस किताब में क्या लिखा था। बहुत सारी चीजें हैं हमारा देश कैसे चलेगा, ये चीज ऐसे होगी, वो चीज ऐसे होगी, लेकिन मेरा मानना है जो सबसे अहम बात उन्होंने उस किताब में लिखी, जिसे हम संविधान कहते हैं, वो ये था कि हम सब बराबर हैं, राइट टू इक्वालिटी, कि हम में कोई फर्क नहीं है,
हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वो जो काम करता हो, चाहे वो जिस जाति में जाति के साथ संबंध रखता हो, चाहे वो जिस परिवार में जन्म लिया है, हम सब बराबर हैं। ये सबसे बड़ी देन है बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत खूबसूरत चीज कही है, जिसमें से कुछ चीजें हम करते हैं और कुछ चीजें हम नहीं करते हैं, हमें सबको वो चीजें करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजिटेट। ऑर्गेनाइज मतलब क्या? इकट्ठे हो, एक संगठित हो। हम सब संगठित हो गए, आप संगठित हो गए, बिल्कुल। बीच में उन्होंने जो कहा, थर्ड चीज जो उन्होंने कहा, एजिटेट, अपने हकों के लिए लड़ाओ। हम लड़ रहे हैं। जो बीच वाला शब्द है वो बहुत जरूरी है। वंदना, बहुत बढ़िया। और आपसे भी ज्यादा आपके फादर से आपको बधाई। हम में से हर एक का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाएं कि वो आगे गार्बेज कलेक्शन का काम बिल्कुल ना करें। वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो लॉयर बने, वो चार्टर अकाउंटेंट बने, वो जो मन करता है वो बने, इतना हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। खास करके हमारे बेटियों को हम जरूर पढ़ाएं। तो मैं आपसे इस उपस्थित कमिश्नर अंजुन गुप्ता मैडम, जो हमेशा आप लोगों का ध्यान भी था, यहाँ आने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत परिवार वाले, ये मेरे को बड़ी जानकर खुशी हुई आज कि इनका पूरा परिवार आज यहाँ उपस्थित है इस जयंती को मनाने के लिए। जो परिवार भागीदार बनता है तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, और परिवार के साथ साथ बच्चे भी उपस्थित हैं। जिस तरह की बच्चों ने भी अपने अपने सारे बच्चों ने जब वो कविताएं पढ़ रहे थे या अपने उनके चीफ गेस्ट हमारे गेस्ट थे, शर्म होने के लिए अलाउ किया मैडम कमिश्नर, जिन्होंने 2 मिनट के अंदर इस बात को मान लिया कि उनकी दो धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम के कमिश्नर साहब, मेयर साहब, डॉक्टर विनय मोहन जी और आला अधिकारी सभी का डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तालिया, तालिया। अच्छा है, स्टैचू बने हुए टॉप बिल्कुल जो कहते हैं, तो आप लोगों से मेरी विनती है, जब उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हुए आप लोगों से मेरी विनती है, निवेदन है, आप जोड़ के आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद प्यार प्रेम जो दिया है, तो आगे भी इस तरीके मेरी बात को अमल करें कि चंडीगढ़ को हम नंबर 1 लेके आए। तो जाओ शिक्षित जरूर करें, बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित बढ़ो, स्वस्थ करो। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया गया था आज बाबा साहब के इस पे, तो आगे इससे भी बढ़ के बाबा साहब की जो जयंती आएगी, इससे भी बढ़ के धूमधाम से मनाएंगे। आप लोगों का सहयोग दिएगा, आप लोगों का प्यार, तो आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाए। शिक्षा एक ऐसी चीज है बड़े बड़ों को झुका लेती है। देश विदेश के अंदर जो आज जज लेते हैं, IAS है, जो टीचर है, शिक्षक है, जो बाबा साहब की देन है, वो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों में से भी IAS बन सकते हैं, पर आप लोग ध्यान दें अपने बच्चों को। धर्मवीर जी, जिस तरीके से आज अम्बेडकर जयंती मनाई गई है 132वीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ दिन भर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे फंक्शन में पहुँचे हैं। तो आज 132वीं जयंती मनाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर की, और डोर टू डोर कलेक्टरों ने जो चंडीगढ़ के अंदर काम करते हैं, उन्होंने मिल के नगर निगम के साथ एक बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है, बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई है। और जो इनको अवार्ड बाबा साहब के द्वारा, जो शिक्षित और संगठित संघर्ष, तीनों को चीज़ को देखते हुए बाबा साहब की देश विदेश में भी जो चर्चाएँ हैं, बाबा साहब को सल्यूट करते हैं इस चीज़ के लिए, जो हमें जीने का अधिकार, पहनने का अधिकार, बैठने का अधिकार जो दिया है, तो बाबा साहब को बिल्कुल सल्यूट करते हैं। और सभी को यहाँ
जो बच्चे टॉपर चंडीगढ़ में जो टॉप आए हैं डोर टू डोर कलेक्टर के जो बच्चे, उनको सम्मानित किया गया इस मंच से आज 132वीं जयंती पर बाबा साहब की। और जो नगर निगम का भी धन्यवाद करते हैं हम, आनंद मित्रा कमिश्नर साहब का और मेयर साहब का और विनय मोहन सिंह डॉक्टर का, स्वास्थ्य अधिकारी है जो, और आला अधिकारियों का, सभी का तहदिल से धन्यवाद करते हैं जो कीमती टाइम देकर हमारे लिए इस फंक्शन में पहुंचे हैं। और मेरे डोर टू डोर कलेक्टरों का भी धन्यवाद करता हूं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया 132वीं जयंती में और आगे पढ़ने लिया है सभी ने मिलकर कि बाबा साहब की अगली जो आने वाली जयंती है इससे भी बेटर धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है, पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाते हैं वो जो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बाबा साहब का जीवन बहुत ही संघर्ष का रहा है और हमने तो ऐसा जीवन देखा ही नहीं है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।